बाबा के लिए योगाभ्यास करवाते हैं। दोनों पैरों को पास में रखेंगे और दोनों हाथ सिर के ऊपर रख लेंगे। मोटापा के लिए मूल 12 अभ्यास हैं। दोनों पैरों में थोड़ा फासला, हाथ ऊपर तने हुए। तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन, यहां से शुरू करके फिर बैठ के फिर उल्टे लेट के सीधे लेट के ये अभ्यास करवा करके हम आधा किलो से लेकर के 1.5-2 किलो तक प्रतिदिन वजन कम कर देते हैं। तो कौन नहीं करेगा योग? सबको तो लाभ चाहिए, बेनिफिट चाहिए। मोटापा के साथ साथ फिर मधुमेह भी कम होता है। योग से हमने लाखों नहीं करोड़ों लोगों का मोटापा कम किया है। कौन है एकदम सीधी? पहले ऐसे धीरे धीरे करते हैं, फिर इसको तेजी से करते हैं। लाखों करोड़ों लोगों का मोटापा हमने घटाया है। बीपी और मधुमेह को, अस्थमा को और तमाम तरह के लाइफस्टाइल डिजीज को मिटाया है। सामान्य रोगों से लेकर के कैंसर तक हमने तमाम रोगों से लोगों को मुक्ति दिलाई। एक एक अभ्यास को 5-10 बार से प्रारंभ करके 25-50 बार तक हम करवा देते हैं। एक नहीं तो 2 राउंड, 3-3 राउंड मैंने करवाए मोटापा वाले रोगों से। हाथ ऊपर उठा, ऊपर वाले हाथ की हथेली फिर नीचे की, ऊपर वाला हाथ कान से लग गया, नीचे वाला हाथ पहले घुटने की फिर धीरे धीरे टखने के पास आ गया, ऐसे जोड़ कर। पहले ऐसे धीरे धीरे कराना, फिर तेजी से करवाना। तो अलग अलग शरीर के हिस्सों पर वजन बढ़ा हुआ होता है, पेट पर, पीठ पर, कमर पर, हाथों में, पैरों में, इसलिए डिफरेंट एंगल से एक्सरसाइज दे रहे हैं। एक ही तरह का व्यायाम नहीं, ये विविध तरह का व्यायाम करवा रहे हैं। लंबा लंबा श्वास लो, थोड़ा फास्ट करो ऐसे, लेकिन तरीके से करना। लंबे लंबे श्वास, एक अभ्यास को कितनी बार करना? 25-50 बार तक कर सकते हैं। तो ये तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, अब कोणासन, दोनों हाथों को पार्श्व भागों में कंधों के समानांतर, नीचे वाला हाथ ऐसे हथेली सामने की ओर, पहले धीरे धीरे फिर तेजी से। पांच दस बार से प्रारंभ करके 25-50 बार तक एक एक अभ्यास करना आपको अब सिखा रहे। धीरे धीरे इन अभ्यासों को बढ़ा लें। दोनों हाथ ऊपर, साइड में जो वजन बढ़ जाता है, लोकल एरियाज में जो फैट बढ़ जाता है, उसको फैट को मेल्ट करने के लिए अलग अलग तरह के अलग अलग हिस्सों में जो मोटापा बढ़ा हुआ उसको कम करने के लिए ये अलग अलग एक्सरसाइजेस। आगे पीछे फैट बढ़ जाता है, सामने अंगूठे से लेकर के और ठोड़ी तक, और पीछे एड़ी से लेकर के और चोटी तक, आगे पीछे जो एक्सेस फैट बढ़ा हुआ है उसको कम करने के लिए अभ्यास। आगे पीछे पूरा जाना, पीछे जाते समय पीछे भी पूरा झुकना, पैरों में थोड़ा फासला रखवाना जिससे कि बैलेंस बना रहे, चोट नहीं लगनी चाहिए, कोई गिरना नहीं चाहिए, सावधानी पूर्वक। कमर में दर्द है तो आगे नहीं झुकना चाहिए, हर्निया है तो पीछे नहीं झुकना चाहिए, सावधानी पूर्वक योग करना कराना चाहिए।
से एक एक अभ्यास को 5-10 बार से प्रारंभ करके पैर सामने खोल लीजिए, 5-10 बार से प्रारंभ करके 25-50 बार एक एक अभ्यास को करना, पूरा पसीना बहने लगता है। अब दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक कर लीजिए, चक्की आसन। फिर स्थित कोण आसन पे और पश्चिमोत्तान आसन होगा, आगे पूरा जाना, पीछे पूरा, हाथ ऐसे जंघाओं के ऊपर से, कोनिया पूरी सीधी, इससे पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। और जिनका भी मोटापा बढ़ा हुआ है पेट पीठ पर, वो कम होगा। यहाँ भी वजन बढ़ता है, ये हाथ लटकने लगते हैं, पैर भी मोटे हो जाते हैं, कमर पेट ये सब मुटिया गए, कम हो जाएगा ऐसे। बस एक काम करना, कम तो हो जाएगा फिर वापस मत भरना, इनपुट आउटपुट इसमें जो डालोगे फिर वो ठहर जाता है इधर, तो इनपुट कम कर दो, तो आहार उतना ही लेना जिससे शरीर चलता रहे। गोल गोल घुमाइए, कुछ तो बैठे बैठे देख ही रहे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, पहले ऐसे घुमाया एक बार एक तरफ से, फिर दूसरी तरफ से, ऐसे ऐसे ऐसे, 5-5, 10-10 बार से प्रारंभ करके 25-25, 50-50 बार ये करवाते हैं, और निरंतरता के साथ, बीच में रुकना नहीं, लंबे लंबे श्वास, तब लाभ होता है। मैंने बार बार कहा विधि समय एकाग्रता निरंतरता पूर्वक किया हुआ योग ही पूरा फलीभूत होता है, उससे पूरा लाभ आपको मिलता है, जिससे जितना बन पाए। कोनिया सीधी रहे बस, ऐसे भी शरीर रिलैक्स हो जाता है इसमें एकदम। पैरों को सामने खोल लें, सिद्ध कोणासन के लिए दोनों हाथ कंधों के समानांतर, दाएं से बाएं हाथ को ऐसे, दाएं से बाएं पैर को छुआ, बाएं हाथ की हथेली सामने की ओर, फिर दूसरी ओर से ऐसे ऐसे सामने की ओर हथेली, ऐसे पूरा घूम जाता, फिर पहले धीरे धीरे किया, फिर गति को बढ़ा दिया, कितनी बार करना, 5-10 बार से प्रारंभ करके 25-50 बार, और विशेष परिस्थितियों में 100-100 बार। जब 100 बार इधर उधर उसको हिलाएंगे तो पूरा छट जाएगा, घट जाएगा, नहीं तो ये मोटा मोटा ना बहुत खराब लगता है। अभी तो कपड़े पहन रखे हैं, नहाते हो तब तो दिखता ही है ना पूरा, कितना बुरा हाल कर रखा है अपना, बेढंगे हो रखे। आगे झुको, माथा घुटनों से लगाओ, फिर पीछे ऐसे और पीछे, जितना जो अधिक जा सकते हैं आगे पीछे पूरा जाना। इससे केवल पेट का ही नहीं, हाथ पैर पेट पीठ पूरे शरीर का अतिरिक्त भार एक्सेस फैट मेल्ट हो जाएगा। अभी आपको जो अभ्यास कराए, बॉडी के आगे वाले हिस्से में, पिछले वाले हिस्से में दाएं बाएं जो फैट था उसको कम करने के लिए विशेष अभ्यास थे। किसी किसी का ये पेट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, यूँ एकदम डाइनिंग टेबल सा सामने नज़र आता है। इस पेट को जो नाभि के ऊपर बढ़ा हुआ है उसको कम करने के लिए भुजंगासन, और नाभि की जो नीचे बढ़ा हुआ है उसको कम करने के लिए सर्वासन। किसी का पेट नीचे इतना लटक जाता है, मैंने तो 5-5 किलो लटकता देखा है लोगों को, फिर उसको बांधना पड़ता है खींच के। इसके लिए भुजंगासन और सर्वासन, ये दो अभ्यास विशेष हैं। ऐसे पहले 1-2 बार धीरे धीरे करना, ऐसे फिर इसको बढ़ा देना, कैसे 10-20 बार
जो दंड बैठक नहीं कर पाते वो यही कर लिया करो, ऐसे 20-25 बार कर लेना, भुजाएं भी मजबूत हो जाएंगी और पेट भी घट जाएगा, शरीर सुंदर भी बन जाएगा, फिटनेस अच्छी हो जाएगी, फिगर सच्चे हो जाएंगे। अब दूसरा अभ्यास अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी दोनों हाथ थोड़ी के नीचे रखिए, हथेली पर हथेली, पहले धीरे करना, एक धीरे से, दो, भुजंगासन के दो अभ्यास, पहले से धीरे करके अब इसको 20-25 बार करके देखो, बनी बात। बोले बाबा जी थक गए तो आराम कर लो, माथा ऐसे लगाओ और ऐसे लेट जाओ, एड़ी अंदर पंजे बाहर, इसको मकरासन कहते, विश्राम हो गया। जब हथेली पर हथेली ऐसे रख करके उसके ऊपर माथा रख के एड़ी अंदर पंजे बाहर रख करके ऐसे लेट जाते हैं, एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, लंबे लंबे श्वास लेते रहें, आत्मा भाव में परमात्मा भाव में प्रतिष्ठित होकर के दृष्टा बन करके देह को शववत और स्वयं को शिववत अनुभव करना, ये परम विश्रांति का साधन है। अगला अभ्यास, ज्यादा देर आराम नहीं करना, आराम हराम है, कार्यांतर ही विश्राम है। थोड़ी जमीन पर पीछे से एक एक पैर को उठाएंगे, ऐसे धीरे धीरे एक एक पैर से उठाना, तो नाभि के ऊपर और नाभि के नीचे दोनों तरफ का ही बढ़ा हुआ भार इन दोनों अभ्यासों से कम हो जाएगा और आपकी फिटनेस के लिए, आपके अच्छे फिगर्स के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। जो दोनों से कर सके तो दोनों से कर ले। अब सीधे लेट जाए, जिनको वजन पूरा घटाना है वो पूरी तन्मयता से करें। वजन घटाने के लिए अब तीन विशेष अभ्यास। सबसे ज्यादा मैंने बार बार कहा वजन या तो पेट पर बढ़ता है, कमर पर, फिर दूसरा थाई बटक सिप्स पर, तो पहले पेट के लिए फिर थाई बटक सिप्स को कम करने के लिए तीन अभ्यास। पहले अर्धलासन जो पेट और पैर दोनों का वजन कम करेगा, फिर पादवृत्तासन पैरों के भार को, एक्सेस फैट को, थाई बटक सिप्स पर जो एक्सेस फैट वेट बढ़ जाता है उसको कम करने के लिए, फिर द्विचक्रिकासन पेट और पैरों के लिए दोनों के लिए। एक एक या दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे, नीचे लेके आएंगे, एक एक या दोनों पैरों से। खाने पीने पर नियंत्रण, जो भार कम करना चाहते हैं तो जिन चीजों से भार बढ़ता है, आप अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट कम कर दीजिए, फैट शुगर इसकी मात्रा मिनिमम कर दीजिए, और जो बहुत जल्दी वेट कम करना चाहते हैं वो मीठा पूरा बंद कर दें, किसी भी रूप में कोई मीठा नहीं, चीनी नहीं, शुगर नहीं, गुड़ नहीं, शहद नहीं, कुछ नहीं, मीठा नहीं, नमक नहीं,
मीठा नमक घी तेल और अनाज ये बंद कर दीजिए। तो लेना क्या है, लेने के लिए मौसमी का जूस पीजिए, अनार खाइए, अमरूद खाइए, सेब खाइए, और सबसे अच्छा है आप खरबूजा खाइए, वाटरमेलन लाल वाला होता है ना, चाहे 2 किलो खा लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितनी भूख लगे उसी से पेट भर लीजिए। फिर किसी किसी को ऐसा होता है खाली पेट ना, वो भूखे पेट फिर चक्कर आने लगते हैं, चल ही नहीं सकते, कुछ कर ही नहीं सकते, एकदम सारा दिल दिमाग मन प्राण आत्मा सब पेट में फिर घुस जाता है, जिन फिर खाली पेट वो कुछ काम नहीं कर सकते, चल फिर नहीं सकते, घर परिवार बिजनेस व्यापार के जो काम है वो नहीं कर सकते। तो कहते स्वामी जी खाली पेट तो रहा नहीं जाता, तो फिर पेट भरो किससे, खरबूजे से, खरबूजा खाओ, लौकी की सब्जी खाओ, लौकी का जूस पियो, सेब का जूस पियो, गाजर का जूस पियो, मोटापा नहीं बढ़ेगा। अनाज बंद कर दो, अनाज बंद कर दो, फिर देखो, और हो सके तो केवल रस पर आ जाओ, इसको बोलते हैं रसाहार, रसाहार, इससे अपने आप ही भार कम हो जाता है। आप करके देखो, एक दिन में हम खाली लौकी का जूस पिलाते हैं, लौकी की सब्जी खिलाते हैं और थोड़े फल दे देते हैं, अनार सेवा दी। मैंने कहा आपसे 1 किलो से लेकर के 2 किलो तक वेट कम कर देते हैं, बड़ा शन्य बनाते रहे दाएं पैर से फिर बाएं पैर से, ऐसे 1 किलो से लेकर के 2 किलो तक भार कम कर देते हैं। जिनको बहुत जल्दी वजन कम करना उनको अश्वगंधा के पत्ते सुबह शाम खिला देते हैं, मेदो हरबटी खिला देते हैं और गोमूत्र का अर्क पिला देते हैं, जबरदस्त तरीके से शरीर को शुद्ध कर देता है गोमूत्र, मोटापा के लिए। जिनको बहुत अधिक पेट खराब रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, मानी पुरानी कब्ज जिसको बोलते हैं ना, पुराने से पुरानी कब्ज के लिए सुबह 25 से 50 ml तक गोमूत्र पानी में मिला करके पी लीजिए। गोमूत्र का अर्क देते हैं, गोधन अर्क उसको बोलते हैं, अपने दिव्य गोधन अर्क, दिव्य फार्मेसी का अपना है ये। फिर अब साइकिलिंग एक साथ दोनों पैरों से अथवा एक एक पैर से, जिसका जैसा सामर्थ्य हो, कमर में अधिक दर्द है, हार्ट है, बीपी की प्रॉब्लम है, कमजोरी है, भार ज़्यादा है, दोनों पैरों से नहीं कर सकते तो एक एक पैर से कर लेना ऐसे, और जो कर सकते हो तो दोनों पैरों से एक साथ करना, पूरा मोड़ना, पूरा उठाना, पूरा सीधा करना, पहले क्लॉकवाइज करना 5 से 10 बार, फिर एंटी क्लॉकवाइज करना। भार को कम करने के लिए आहार का भी नियंत्रण जरूरी है। आहार ये जीवन का आधार भी है, ये रोगों का आधार भी है और आरोग्य का भी आधार है। आहार के बिना जी नहीं सकते, एक दिन भी बिना खाए पिए नहीं जी सकते, और यदि कोई हठ पूर्वक जी भी ले तो 24 घंटे के बाद बिना पानी पिए जीना मुश्किल हो जाता है, और कुछ दिन पानी ना मिले तो मैक्सिमम 5 से 7 दिन के बाद तो व्यक्ति का प्राणांत हो जाता है। ऐसे ही आहार अधिकतम 30 से 40 दिन, उससे अधिक नहीं जी सकते। बीमारियों का कारण भी खराब आहार, अनहेल्दी डाइट, अनहेल्दी फूड, और आरोग्य का कारण भी आहार, बिना पी औषधि ही व्याधि पथ्यादेव निवर्तते न तो पथ्य विहीन से भी सुजानाम।